नमस्कार दोस्तों, सीक्वेंसिंग ऑप्शन पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं तुलसी मातो और आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो एक बार फिर से कोरल ड्रॉ पे है। तो मेरा जो पिछला वीडियो था उस पर मैंने बताया हुआ था कि ये जो स्कूल आईडी कार्ड है इसे किस तरह से आप बना सकते हैं। तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया हुआ, आप वहां से जाके उसे देख सकते हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो आई कार्ड है, ये जो स्कूल आईडी कार्ड है, इसे किस तरह से आप A4 साइज पे प्रिंट कर सकते हैं। एक तो तरीका आप सभी को पता होगा कि आप यहां पे से रख लीजिए, सेकंड यहां पे रख लीजिए, थर्ड यहां पे रख लीजिए और प्रिंट कर दीजिए, ठीक है यहां से। लेकिन आज मैं आपको ये चीज नहीं बताऊंगा, थोड़ी सी शॉर्ट हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 पेज बना के रखे हुए हैं, आपको ये मान के चलना है कि 7 पेज पे अलग अलग आईडी कार्ड बने हुए हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, सेकंड मेरा ये हो गया, थर्ड ये हो गया, अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग आई कार्ड मैंने बना के यहाँ पे मान के चली कि रखे हुए हैं। फिलहाल मेरे पास एक ही है। ओके, अब हमें इसे जो है प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको आना है फाइल पे। फाइल पे आने के बाद आप आ जाइए प्रिंट पे, जिसका शॉर्टकट आप देख सकते हैं Ctrl+P। और यहाँ पे आपके पास जो भी प्रिंटर हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं फिलहाल इप्सन L380 यूज कर रहा हूं और उसके बाद यहाँ पे प्रिफरेंस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप साइज A4 ले लीजिएगा और यहाँ पे मैंने लैंडस्केप लिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि आपको पोर्ट्रेट पे वो अच्छी लगती है या लैंडस्केप पे, सेटिंग किस तरह से आप करना चाह रहे हैं। चलिए ये हो गया, उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, आपको इस पे आके एक बार क्लिक कर देना है। ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाइए, क्योंकि हमने सेटिंग करके रखी हुई थी, आपके पास इस तरह से नहीं है तो आपके पास कुछ इस तरह से भी नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपके पास आएंगे। आपके पास कुछ इस तरह से एक ही नजर आएगी, ठीक है। तब आपको क्या करना है, यहां पे ये तो पहला हो गया, दूसरा पे आपको सेकंड पे आपको आके क्लिक कर देना है, आपके पास कुछ इस तरह से प्रिंट आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे 1 दिखाई देता होगा, यहाँ पे 2 दिखाता होगा, ठीक है। अगर आपको रो कॉलम में कितने चाहिए वो देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2, यानी कि मेरा इस पे 1 पेज पे जो भी था वो यहाँ पे दिखेगा और 2 पेज पे जो भी था वो यहाँ पे दिखेगा। फिर से मैं 3 कर देता हूँ, 3 हो गया, यानी कि 1 पेज पे मेरा जो था वो यहाँ पे शो करेगा, 2 पेज वाला यहाँ और 3 पेज वाला यहाँ पे शो करेगा, हो गया। उसी तरह अगर आप लोग नीचे पे बढ़ाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वही 4 5, लेकिन हमें इस तरह से तो छोटी छोटी आ जाएगी ना। देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह से मेरे पास आ जा रही है, क्योंकि आईडी कार्ड हमारी छोटी हो जा रही है तो हमें तो ये तो चाहिए नहीं ना, तो इसीलिए हम इसे 1 कर देते हैं। फिर इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखिए टॉप सेंटर दिया होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये तीनों ऑटोमेटिकली अपने साइज पे आके इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपने साइज पे आ जाएंगी और इसे आप एडजस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए तीनों हमारे यहाँ पे सेट हो गई है। अब हमने 7 पेज टोटल बनाए थे, तो मान के चलिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस पे आते हैं सिग्नेचर 2 पे, फिर उसी तरह से सेलेक्ट करना है और आपको आगे के थोड़ा सा सेट करके 4 5 6 6 हो गया। और 7 पे देखिए सिर्फ एक ही आया हुआ है, क्योंकि 8 तो है ही नहीं था, 8 हमारे पास था नहीं ना, और 9 भी नहीं था, तो इसीलिए सिर्फ 8 ही आया हुआ है। उसके बाद आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।